हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर डिस्टेंस लर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइंस ऑफ क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल सी हियर what we will discuss in this chapter. Here are some outcomes. First is purposes of separation of substance. Second, methods of separation. Third, we will discuss about sedimentation, decantation and filtration. Fourth, evaporation. Fifth, use of more than one method of separation. And the last one is limitation of solubility of solids in liquids. So come on the chapter. At first introduce the chapter. First, we will know about substance. What are substances? Substances क्या है? वो सारे पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। Substances which contain one or more than one type of constituent particles, either of an element or a compound, are known as substances. जो भी चीज़ हमारे सामने दिखाई दे रही है वो सारे या तो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बने हों या बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पार्टिकल या एलिमेंट से मिलकर बने हों, वो सारे क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या होगा? आयरन, वाटर, शुगर, डस्ट एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस तो हमने देख लिया, अब प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये चैप्टर में अभी आपको पढ़ना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस का सेपरेशन करना है आपको, कैसे आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिले हुए हैं तो आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, किस बेस पे आप सेपरेट करेंगे, कैसे आप अलग करेंगे, इसके लिए आपको पहले सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इन सारी बातों को जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। प्योर सब्सटेंस में जैसे एक ग्लास मिल्क है, उसमें आपने हाफ ग्लास वाटर ऐड कर दिया, तो ये क्या मिल्क अब प्योर रह गया? नहीं, ये प्योर नहीं है। जब उसमें सिर्फ मिल्क था तो वो क्या था? प्योर सब्सटेंस था, प्योर मिल्क था। और जैसे ही उसमें पानी ऐड हो गया तो हम क्या करते हैं, उस मिल्क को प्योर करने के लिए जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसका जो वाटर है वो इवोपरेट कर जाएगा और हमारे पास प्योर मिल्क बच जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब यहाँ ये होता है कि प्योर सब्सटेंस अभी जिस फॉर्म में है उसको हम फिज़िकली या मैकेनिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। These are the substances which have uniform composition throughout the whole sample. It cannot be separated into two or more substances by physical or mechanical methods such as filtration, sieving, etc. Impure substance. Impure substance किसे हम कहते हैं? जैसे अभी आपको example दिया गया था, जैसे हम मिल्क में वाटर को ऐड किए तो वहाँ पे मिल्क और वाटर ऐड हो गया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वहाँ पे वो इम्प्योर है या प्योर है, ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस के लिए हम वैसे सब्सटेंस लेंगे
जो आसानी से हमें दिखाई दे कि उसमें इम्प्योरिटी है। वैसे सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, वाटर में कुछ सैंड मिला हुआ है, तो वो तो आपको आसानी से दिख रहा है कि वाटर में सैंड मिला है, तो या फिर मडी वाटर जो आपने लिया तो उसमें क्या है, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अब उसमें से आप उसको वाटर और मड कैसे अलग करेंगे? एयर, एयर भी क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें भी काफ़ी सारे कंस्टिट्यूएंट भरे पड़े हैं, पॉल्यूशन, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर के एयर बना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्योर हैं, हमारे लिए हानिकारक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हैव बीन मिक्स्ड विथ अदर मटेरियल्स दैट डिफर इन देयर कंपोजिशन। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, फॉर एग्जाम्पल एलोइज, एयर एट्सेट्रा। एलोई, एलोई क्या होता है, एलोई जो है ये मिश्र धातु है, बहुत सारी धातुओं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स से मिलकर बना होता है, इन्हें हम एलोई कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। सब्सटेंस हमने देखा, प्योर सब्सटेंस देखा, इम्प्योर सब्सटेंस देखा, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर साधारणतः जब भी मिक्सचर का नाम आता है, आप मिक्सचर खाते भी होंगे, मिक्सचर में बहुत सारे क्या मटेरियल मिले होते हैं, बादाम होता है, दाल होता है, और क्या होता है उसमें, साथ ही पोहा फ्राई किया हुआ होता है, कुछ बेसन की चीज़ें होती हैं, कुछ मटर के दाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली होती है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिल जाए और उसका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो द इम्प्योर सब्सटेंसेस मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो विच रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर, यहाँ पे आपको इम्प्योर सब्सटेंस दो या दो से अधिक जब मिक्स किए जाते हैं और उनका जो रेशियो होता है, कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है उनका, किसी भी रेशियो में हम उसको मिला देते हैं, उसके बाद उसमें जो उनकी गुण पाए जाते हैं, उसके जो गुणधर्म पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वो सबकी अलग अलग होती है। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हमने मिलाया तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी भी उसमें इकट्ठी पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर हम देखेंगे, मिक्सचर की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, मिक्सचर हैज़ नो फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, उसके वेट के हिसाब से इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। सेकेंड है, मिक्सचर रिटेन्स देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर में जो है ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हमने लिया है तो जो सब्सटेंस हैं उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो उस मिक्सचर में पाई जाती है। थर्ड है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली, मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अब हम आते हैं चैप्टर पे। पर्पसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि पहले तो हम ये जानेंगे सेपरेशन क्या है और उसके बाद हम जानेंगे कि सेपरेशन का उद्देश्य क्या है, मतलब हमें चीज़ों को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। पहले हम जानते हैं व्हाट इज सेपरेशन। टू सेपरेट और डिवाइड वन थिंग फ्रॉम अदर इज कॉल्ड सेपरेशन। किसी चीज़ को एक चीज़ से अलग करना क्या कहलाता है, सेपरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेन वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब आप चाय बनाते हैं तो क्या होता है, स्टेनर की सहायता से आप चाय की पत्तियों को अलग कर लेते हैं चाय से। मिल्क या कर्ड में से जब आपको बटर अलग करना होता है तो आप चर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, मिल्क और कर्ड से आपका बटर अलग हो जाता है। तो आपने यहाँ भी सेपरेट किया।
जब आप चावल बनाने जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनको अलग करने के लिए भी आप सेपरेशन ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर से या किसी इम्प्योर सब्सटेंस से, जब हम प्योर सब्सटेंस चाहते हैं तो उसे हम अलग करते हैं, या चीज़ों को जब हम अलग करते हैं एक दूसरे से तो उसे हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है या इसका पर्पस क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ये जो पर्पस है वो हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट है टू रिमूव एन अनडिजायरेबल थिंग। उसमें जो ऐसे अनडिजायरेबल चीज़ जो होती हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनको हटाने के लिए सेपरेशन आवश्यक है। टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट, यूज़फुल कंपोनेंट प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो हमारा यूज़फुल महत्वपूर्ण सामग्री है उसे निकालने के लिए भी हम जो है सेपरेशन करते हैं। जैसे दूध से आप मक्खन निकालते हैं तो मक्खन आपका ज़्यादा यूज़फुल कंपोनेंट है, आपको उसको दूध से निकालना था, और आपको बटर जो निकाल कर आप उसे किसी और भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है टू ऑब्टेन अ डिज़ायरेबल कंपोनेंट। डिज़ायरेबल कंपोनेंट को भी प्राप्त करने के लिए आप सेपरेशन कर सकते हैं। टू ऑब्टेन अ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट को प्राप्त करने के लिए भी आप सेपरेशन करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। अभी तो हमने देखा सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। सेपरेशन के कितने मेथड होते हैं क्या आपको पता है? ऐसे तो सेपरेशन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ हम कितने मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आपको देखिए चार कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट में लिखा है हैंड पिकिंग, सेकंड में लिखा है थ्रेशिंग, थर्ड में है विनोइंग और फोर्थ में है सीविंग। तो वन बाय वन हम सारे कंटेनर को खोलेंगे और आगे जानेंगे इसमें क्या है। द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर और द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ये जो सेपरेशन का मेथड है वो किस पे डिपेंड करता है? उस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है जो मिक्सचर में प्रेजेंट है। सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेशिंग, थर्ड है विनोइंग एंड फोर्थ वन इज सीविंग। वन बाई वन चलिए हम हैंड पिकिंग से स्टार्ट करते हैं। हैंड पिकिंग, आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। फिगर में एक आदमी बैठा है, वो एक प्लेट में चावल लिया है और उसे हाथ से उसमें जो स्टोन्स हैं छोटे छोटे उसे निकाल कर बाहर फेंक रहा है, और यहाँ एक बोरी में चावल भरा पड़ा है। ए मेथड ऑफ सेपरेशन टू टेक आउट अनयूजफुल मटेरियल बाई हैंड इज नोन एज हैंड पिकिंग। यहाँ ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हैंड पिकिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाथों का काम किया गया, हाथ से ही काम हो रहा है, मतलब हाथ से एक एक करके अनयूजफुल मटेरियल को बाहर निकालना। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस सच एज स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम वीट, राइस, पल्सेज एट्सेट्रा। गेहूँ, चावल, दाल, इन सब में से जो अनडिज़ायरेबल जो पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं उन्हें निकालना ही, ये क्या, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है। सेपरेशन का ये फर्स्ट मेथड है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। यहाँ है सेकंड मेथड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बारे में भी बहुत लोग जानते ही होंगे जो किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, या ऐसे भी आपने सुना होगा थ्रेसिंग किसे कहते हैं। थ्रेसिंग किसान जब खेतों में फसल लगाते हैं और जब कटाई का समय आता है तो या तो हाथों से या फिर उसे मशीन के द्वारा काट लिया जाता है। फुल्ली मैच्योर्ड क्रॉप्स लाइक पैडी और वीट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। ड्यूरिंग दिस द क्रॉप प्लांट्स कट क्लोज टू द ग्राउंड, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स आर सेपरेटेड।
क्या होता है, फसलों को बिल्कुल ज़मीन के पास से काट लिया जाता है और उसके बाद उसे धूप में ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इट स्टॉल्क हैज़ मेनी ग्रेन्स एंड सीड्स अटैच टू इट, और प्रत्येक स्टॉल्क में जो डंठल होती है उसमें अनाज होते हैं, बीज के साथ ही ऐसे अटैच होते हैं। द ग्रेन्स अटैच टू द स्टॉल्क आर कवर्ड इन द थिन लेयर कॉल्ड चाफ। उसमें जो ग्रेन अनाज लगा होता है उसे क्या करते हैं, थिन लेयर से वो कवर्ड रहते हैं, थिन लेयर से, जिसे ही हम क्या कहते हैं, चाफ कहते हैं। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुल्लॉक्स, कभी कभी वो जो बताया आपने, कभी कभी जो है ये थ्रेसिंग मशीन के द्वारा होती है, कभी बुल्लॉक्स के द्वारा होती है। तो इस तरह से लार्ज क्वांटिटी में हम जो ग्रेन निकालना होता है, स्टॉक से अलग करना होता है, तो हम थ्रेसिंग मेथड अपनाते हैं अनाजों को उस डंठल से अलग करने के लिए। यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कैसे कटाई करने के बाद सारे अनाज को धूप में ही सुखा रखा है, उसके बाद फिर उनको सारे ग्रेन्स को इस स्टॉक से अलग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विनोइंग की। विनोइंग ये है हमारा सेपरेशन का थर्ड मेथड है। यहाँ देखिए फिगर में आप देख रहे होंगे एक वुमेन एक टूल पे खड़ी होकर सूप लेकर हवा के डायरेक्शन में अनाजों को फटक रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, विनोइंग मतलब फटकना होता है। ये अनाज एक जगह गिर रहे हैं और जो लाइटर जो पार्टिकल हैं या हस्क हैं वो क्या हो रहा है, आगे उड़ते जा रहे हैं। हल्के होने की वजह से वो हवा के डायरेक्शन में आगे की ओर थोड़ी दूर जाकर गिर रहे हैं, और जो भारी है जो आपका हैवी पार्टिकल है वो आपका देखिए यहाँ नीचे में बिछा रखा है इसने कपड़ा, और उसी पे वो इसको कलेक्ट कर रही है। द मेथड ऑफ सेपरेशन हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज़ नोन एज विनोइंग। ये भी विंड की सहायता से हो रहा है। तो विंड की सहायता से जब हम हस्क को सेपरेट करते हैं तो ये मेथड, हस्क को किससे सेपरेट करते हैं, ग्रेन से, तो ये मेथड क्या कहलाता है हमारा, विनोइंग कहलाता है। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग में क्या होता है, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो मिक्सचर जो होता है स्टॉक्स के साथ, जो थोड़े हस्क और अनाज जो साथ में मिले होते हैं, उन दोनों को सेपरेट किया जाता है बहती हुई हवा में। जब हवा बहती है तो ऊंचाई पे खड़े होके ऐसा करते हैं, और अनाज एक साइड और उसके जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे साइड कलेक्ट हो जाते हैं। द मेथड इज़ कॉमनली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड बाई द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। विनोइंग के लिए देखिए इकट्ठा क्या हो जाता है, यहाँ पे विंड की सहायता से हल्के जो डस्ट हस्क पार्टिकल होते हैं वो उड़ा कर ले जाए जाते हैं थोड़ी दूरी पे, और जो अनाज के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर बन जाती है अनाज की। अब हम बात करते हैं सीविंग की। सीविंग प्रोसेस समझने के पहले हम समझेंगे कि सीव क्या है। What is sieve? A sieve is a shallow vessel having a small holes at its bottom. Sieve क्या है, एक vessel है, एक छिछला बर्तन है जिसमें छोटे छोटे holes होते हैं उसके तले में, इसे हम सीव कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे नहीं समझना है, हर किसी के घरों में चलनी होता होगा जिससे आप आटा वगैरह चावल गेहूं ये सब मम्मी वगैरह चलती होंगी दादी, तो आपने देखा भी होगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सीव कहते हैं। तो ये व्हाट इज़ सीविंग, तो सीव से ही सीविंग एक प्रोसेस बन गया। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर बाई यूजिंग अ सीव इज़ कॉल्ड सीविंग। मिक्सचर को जब हम
सीव के थ्रू सेपरेट करते हैं तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द सीव होल्स वाइल द बिगर पार्टिकल्स रिमेन अबव द सीव. देखिए इसमें जब हम आटा वगैरह चालते हैं तो उसमें जो हस्क वगैरह होते हैं, जो उसमें क्या होता है, आटा में जो आपका फाइबर होता है वो ऊपर आपके सीव में रह जाता है और उसके जो सॉफ्ट जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के होल्स के थ्रू आपको प्राप्त हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए घर बनाने के पहले सीमेंट को भी, बालू को भी, इनको भी जो है फाइन पार्टिकल किया जाता है. तो यहाँ पे बड़ा सा सीव है, आपको फिगर में दिखाया गया है, यहाँ बड़ा सा सीव जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसमें से गिट्टी पत्थर जो है इनको सेपरेट कर रहा है. और उसके बाद ये जो नीचे में फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड या फाइन पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट इसे जो मिल रहा है उसके बाद ये घर बनाएगा तो ये इसे काफ़ी आसानी होगी. पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. बालू से ही पेबल्स और स्टोन्स वगैरह को इस सीविंग मेथड से सेपरेट. अब तक हमने बात की सॉलिड और सॉलिड के सेपरेशन की, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड के सेपरेशन की. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.